हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी पार्ट 4 अपराजिता का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न मांग एक है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि लेखिका अपनी पंक्तियों से उस युवक से प्रेरणा लेने को कहती है जिसकी भुजा कट जाने से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न मांग एक का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न मांग दो है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि अपराजिता जो कभी ना हारी हो। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न मांग तीन है, डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा की भांति हम यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको दिव्यांग लिखना है। अपंग की जगह आपको क्या लिखना है, दिव्यांग लिखना है। इस प्रकार से आपको अपंग की जगह दिव्यांग लिख लेना है। और इसके बाद लिखा है कि डॉक्टर मेरी वर्गीज का उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न मांग 4। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न मांग 5 है, साहसी जननी किसे कहा गया है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न मांग 6 है, चिकित्सा ने जो खोया यह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न मांग 7। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको मूल्यांकन 4 दिया गया है। सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न मांग 8 है, डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि उन्होंने अपना सुख त्याग कर हमेशा अपनी पुत्री की छाया बनी रही, यह गुण प्रभावपूर्ण है। तो इस प्रकार से प्रश्न मांग 8 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न मांग 9 है, इस प्रकार से डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियाँ थी? तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न मांग 10 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। केवल आपको अपंग की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, दिव्यांग लिखना है। तो इस प्रकार से पार्ट 4 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।